दोस्तों हमारे पास ये उषा कंपनी का इंडक्शन आया है रिपेयर होने के लिए। ये दोस्तों 1600 वाट है, यहाँ पर उषा आप देख सकते हैं। दोस्तों कस्टमर कहना है दोस्तों कि इसमें लाइट तो आ रहा है लेकिन दोस्तों हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले मैं सीरीज बोर्ड यहाँ से कनेक्ट करता हूँ। देखिए यहाँ पर लाइट है और चला गया। देखिए बटन को मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन दोस्तों ऑन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं फॉल्ट को फाइंड करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले यहाँ से फिर से मैं ऑन करके आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए एक बार लाइट आ रहा है, चला जा रहा है, हमारा स्टैंड बाई का प्रॉब्लम है। चलिए प्लग को मैंने हटा दिया। अभी यहाँ से ना सबसे पहले देखिए पीछे की साइड यहाँ पर 4 स्क्रू लगा रहता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्रू खोल लेंगे। तो यहाँ से मैंने स्क्रू को दोस्तों ओपन कर लिया। अभी यहाँ पर देखिए इसको ओपन करना है, तो इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए इसमें बहुत ही ज़्यादा डस्ट वगैरह है, देख सकते हैं धूल वगैरह है इसमें भी बहुत ज़्यादा है। तो पहली बार ही दोस्तों इंडक्शन खुला है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले पैनल को यहाँ से रिमूव करूँगा। रिमूव करने के बाद दोस्तों इसमें चेक करूँगा क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ से स्क्रू सबसे पहले मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा पैनल खुल गया। अब मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो इस प्रकार से देखिए हमारा बाहर निकल गया। इसमें काफ़ी ज़्यादा दोस्तों धूल पड़ा है। तो देखिए हमारे शॉप पर बहुत सारे इंडक्शन रिपेयर होने के लिए आते हैं, तो वैसे में आज कोई नहीं सो तो अकेले ही दोस्तों वीडियो को शूट कर रहा हूँ। या आप देखिए हमारा ये ऑन वाला बटन है, तो हो सकता है बटन भी ख़राब हो सकता है, आईसी भी ख़राब हो सकता है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। सबसे पहले देखिए कांच रहता है, तो इसको आराम से आप कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, रख सकते हैं, वरना तो अगर गिर जाएगा तो हमारा जो कांच रहता है फूट जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है। तो इसको मैं रख दिया। अब यहाँ चलिए मैं पैनल का जो दोस्तों कनेक्टर है यहाँ पर मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद मैं बटन को शॉर्ट करके एक बार चेक कर लूँगा कि हमारा बटन से ही प्रॉब्लम है या और कुछ इसमें फॉल्ट है। तो प्लग को मैं दोस्तों फिर से सीरीज बोर्ड में लगाता हूँ यहाँ पर। देखिए लाइट वगैरह आ गया। चलिए बटन को यहाँ पर शॉर्ट करके मैं देख लेता हूँ। देखिए हमारा जो दोस्तों यहाँ पर पंखे वो भी चल रहे हैं। तो आपको पेचकस वगैरह की सहायता से यहाँ पर शॉर्ट कर लेना है। ये देखिए हमारा ऑन हो गया यहाँ पर। सही तरीके से हमारा देखिए पैनल को मैं सीधा करके काम आपको दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल सही से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। यहाँ पर बटन को मैं प्रेस करके आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए बटन भी हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो देखिए इसमें जो प्रॉब्लम था, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बटन का ही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बटन को चेंज कर लूँगा और यहाँ पर जो भी डस्ट वगैरह है उसको मैं शॉर्ट यहाँ पर सॉल्व कर लूँगा। देखिए यहाँ पर मेरा जो दोस्तों डस्ट वगैरह है उसको मैंने साफ़ कर लिया और बिल्कुल सही तरीके से मैंने इसको साफ़ कर लिया। यहाँ जो बटन था, बटन का दोस्तों मैंने यहाँ से देखिए हटा लिया और दूसरा इसमें बटन मैंने नया इंसर्ट कर दिया और बढ़िया तरीके से मैंने क्लीन कर दिया पीसीबी वगैरह निकाल करके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे से इसको फिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर कोयल वगैरह है, सबको दोस्तों अच्छे से आपको फिक्स कर लेना है। तो मैं दोस्तों फिक्स कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने पीसीबी को और कोयल को यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर लगा लिया हूँ। चलिए दोस्तों पैनल को मैं लगाकर एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि हमारा काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए हमारा पैनल है। पैनल को मैं यहाँ पर सबसे पहले जो कनेक्टर है, कनेक्टर को मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। तो देखिए एक ही यहाँ से दोस्तों शूट कर रहा हूँ वीडियो और एक हाथ से यहाँ पर रिपेयरिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। चलिए यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर लाइट तो आ गया, इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं। देखिए बिल्कुल सही तरीके से ऑन हो गया, बटन भी काम कर रहा है। देखिए तो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर देखिए आना भी अच्छे तरीके से हमारा हो रहा है यहाँ पर। तो जो प्रॉब्लम था बटन का प्रॉब्लम था, वो हमारा बटन का प्रॉब्लम था। तो मैंने बटन को चेंज कर दिया और देखिए जो प्रॉब्लम का सलूशन है हमारा 100% सही हो गया। अब यहाँ पर मैंने पैनल को अच्छे से यहाँ पर टाइट कर लिया, यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए इसको मैं टेस्ट करके आपको दिखा दूंगा पानी वगैरह गर्म करके। तो यहाँ से देखिए इसका जो कनेक्टर है, कनेक्टर को मैं सही से लगा लेता हूँ। और देखिए शॉप पर ही वीडियो आज शूट कर रहा हूँ, शॉप पर हमारे बहुत सारे इंडक्शन रिपेयर होने के लिए आते हैं, तो दोस्तों मैं रिपेयर करता हूँ। तो दोस्तों अकेले रहने के कारण मैं वीडियो को शॉप पर बना नहीं पाता, लेकिन नहीं तो दोस्तों आपको रिपेयरिंग से ज़्यादातर रिलेटेड मैं वीडियो देता। तो यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से पेच वगैरह टाइट कर दिया। अब यहाँ से चलिए मैं डायरेक्ट 220 वोल्ट ए सीता हूँ। सबसे पहले देखिए हमारा सीरीज में हो गया, ये देखिए अच्छे से काम कर रहा है। चलिए यहाँ पर मैं मेन में लाकर आपको दिखाता हूँ पावर बोर्ड में। अब इसके बाद हमारा गर्म वगैरह हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर लाइट वगैरह अच्छे से आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं।
और यहाँ पर देखिए मैंने एक लोटा लिया, लोटा में पानी, और देखिए अच्छे से यहाँ पर हीट कर रहा हूँ। देखिए फूल पकड़ता हूँ 1600 पे। यहाँ देखिए जो पानी है ना, देखिए हल्का हल्का मेरा भाप बने, देखिए बनने लगा। देखिए यहाँ पर थोड़ी देर में उबाल आने लगेगा, जिसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हल्का हल्का मेरा भाप आने लगा, देखिए बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है इंडक्शन हमारा। तो जो प्रॉब्लम था वो हमारा बटन का प्रॉब्लम था, मैंने बटन चेंज किया और इसमें काफ़ी ज़्यादा डस्ट वगैरह था तो मैंने इसको रिपेयर कर दिया। देखिए पानी मेरा उबलने लगा, तो इंडक्शन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। तो आप इस प्रकार से दोस्तों रिपेयर करके आप कस्टमर को दे सकते हैं। दोस्तों मैं इसका चार्ज 150 करूँगा, तो यहाँ पर जो हमारा रिपेयरिंग का चार्ज है वो 150 रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा फॉल्ट फाइंड करके दोस्तों आप इंडक्शन रिपेयर कर सकते हैं।